क्वेश्चन 3 निम्न रैखिक प्रोग्रामन समस्या को आलेखीय विधि से हल कीजिए। निम्नतम उद्देश्य फलन z बराबर है -50x प्लस 20y। व्यवरोध हमें दिए गए हैं 2x माइनस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू -5 है, 3x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, 2x माइनस 3y लेस देन और इक्वल टू 12, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये हमें व्यवरोध प्राप्त है। हम प्रत्येक से संबंधित असमयिका का हल क्षेत्र ज्ञात करते हैं। तो पहली असमयिका है 2x माइनस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू -5। संगत समीकरण लिखें तो संगत समीकरण हो गया 2x माइनस वाई बराबर -5, ग्रेटर देन और इक्वल टू को हमने बराबर के चिन्ह से बदल दिया। अब ये हमें एक सरल रेखा देगा समीकरण। तो हमने एक सारणी बनाई और उसमें दो निर्देशांक प्राप्त करते हैं जो कि उस सरल रेखा पर स्थित हैं। x और y यहां लिखा, x बराबर 0 लेंगे और y बराबर 0 लेंगे। जब x बराबर 0 है तो y का मान कितना हो जाएगा, 5 के बराबर। y का मान 0 है तो x बराबर हो गया -5/2। तो इस प्रकार क्या हमने पाया, दो बिंदु हैं 0.5 और -5/2.0। ये हमें दो बिंदु प्राप्त हुए। हम पहले बिंदु को A मान लें, दूसरे वाले बिंदु को B मान लें। अब हम प्राप्त दोनों बिंदुओं को ग्राफ पेपर पे अंकित करते हैं। तो हमने ग्राफ बनाया, ये हमारा हो गया y अक्ष, ये हमारा हो गया x अक्ष, ये हमारा मूल बिंदु है O, निर्देशांक 0.0। A बिंदु 0.5 है अर्थात ये y अक्ष पर होगा, ये हमारा बिंदु है। B बिंदु है -5/2.0, ये इस तरफ होगा। दोनों बिंदुओं को हमने मिला दिया, ये हमारी सरल रेखा है जो कि समीकरण 2x माइनस वाई बराबर -5 इसको दर्शाती है। बिंदु के निर्देशांक लिखते हैं, ये बी -5/2.0 है, ये है 0.5 ए बिंदु। अब हमें हल क्षेत्र ज्ञात करना है। तो हल क्षेत्र ज्ञात करने के लिए मूल बिंदु के निर्देशांक हम इस असमयिका में रखते हैं। तो x बराबर 0 रखा, y बराबर 0 रखा, 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू -5, ये हमें मिलता है। अर्थात 0 बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए -5 के, ये सत्य है क्योंकि 0 बड़ा होता है -5 से। अर्थात मूल बिंदु हल क्षेत्र में स्थित है। तो रेखा के इस ओर हमें हल क्षेत्र मिलता है, रेखा के उस ओर हल क्षेत्र मिलेगा जहां मूल बिंदु स्थित है। अब हम इसको मिटा देते हैं और दूसरी असमयिका लेते हैं। इसको हमने मिटा दिया, दूसरी असमयिका है 3x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। संगत समीकरण 3x प्लस वाई बराबर 3 होगा। पुनः एक सारणी बनाई, हमें इस सरल रेखा को ग्राफ पेपर में निरूपित करना है, इसलिए हमने एक सारणी बनाई। x और y के मान रखे, यहां x यहां y, x बराबर 0 लेना है और y बराबर 0 लेना है। जब x बराबर 0 है तो y का मान 3 है, जब y बराबर 0 है x का मान आता है 1 के बराबर। निर्देशांक हो गए 0.3 और 1.0। इसको हम c बिंदु मान लें, ये d बिंदु। C बिंदु को निरूपित करें, 0.3 ये यहां पर होगा, 1.0 यहां पर स्थित होगा एक बिंदु। इन दोनों को हमने मिला दिया, ये हमारी सरल रेखा कौन सी होगी, 3x प्लस वाई बराबर 3, ये हमारी सरल रेखा बन गई 3x प्लस वाई बराबर 3। अब हम हल क्षेत्र ज्ञात करने के लिए
जो मूल बिंदु है उसके निर्देशांकों को इस असमयिका में रखते हैं। तो 0 0 रखा अर्थात x का मान 0, y का मान 0, 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 प्राप्त हुआ, जो कि असत्य है क्योंकि 0 छोटा होता है 3 से, इसलिए ये बात असत्य है। तो हल क्षेत्र उस ओर होगा जहां मूल बिंदु स्थित नहीं है, अर्थात इस ओर होगा, रेखा के इस ओर होगा, इस ओर तो मूल बिंदु है, दूसरी ओर होगा क्योंकि यहां हम ये असत्य पा रहे हैं। अब हम तीसरी असमयिका लेते हैं और इसको मिटा देते हैं। तीसरी असमयिका है 2x-3y लेस देन और इक्वल टू 12। उन्हें इसका संगत समीकरण बनाए, संगत समीकरण हो गया 2x-3y बराबर 12। सारणी बनाई हमने सरल रेखा निरूपित करने के लिए, यहां हमने लिखा x, यहां y, x बराबर 0 और y बराबर 0 लेना है। जब x बराबर 0 है तो y का मान कितना हो गया, -4 हो गया, y बराबर 0 है x का मान 6 हो गया। बिंदु कौन कौन से निकल के आए, 0 -4 और 6, 0, 6, 0 यहां होगा, 0 -4, इसको भी हम बिंदु डाल दें, ये हमारा C बिंदु है, ये तो हमारा C बिंदु है, ये हमारा D बिंदु है। इनके निर्देशांक भी लिख देते हैं, ये तो है 0, 3 और D बिंदु के हैं 1, 0। अब हमने इस बिंदु के को तो ले लिया E और इसको ले लिया F, ये बिंदु के निर्देशांक हैं E और ये बिंदु F निर्देशांक है 6, 0। तो 6, 0 तो यहां पर स्थित है, 0 -4 यहां पर स्थित है, इन दोनों को मिला दिया, और इस प्रकार से सरल रेखा प्राप्त की। E बिंदु निर्देशांक 0 -4, यह है F बिंदु निर्देशांक है 6, 0। असमयिका में मूल बिंदु के निर्देशांक रखें, तो असमयिका में मूल बिंदु के निर्देशांक रखने से 0 लेस देन और इक्वल टू 12 सत्य है, क्योंकि 0 छोटा होता है 12 से, अर्थात हल क्षेत्र उस ओर होगा जिस ओर मूल बिंदु स्थित है, हल क्षेत्र इस ओर होगा जिस ओर मूल बिंदु स्थित है। इसको भी मिटा देते हैं। अब हम x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 इसको देखते हैं। तो जैसा हम पिछले प्रश्नों में भी देख चुके हैं, दोनों से अभिप्राय होता है पहला चतुर्थांश। तो अब हम पहले चतुर्थांश में हल क्षेत्र को देखते हैं। देखो तो इस लाइन से तो ऊपर की ओर, इससे ऊपर की ओर, इससे इस ओर, इससे इस ओर और इससे नीचे की ओर, अर्थात ये हमें हल क्षेत्र मिल रहा है। इसको हम रेड पेन से दिखाएं तो ये हमारा हल क्षेत्र है। क्योंकि पहले चतुर्थांश में है ये हमारा हल क्षेत्र है। स्पष्ट है कि सुसंगत हल क्षेत्र अपरिबद्ध है। तो यहां हम देखते हैं कि सुसंगत हल क्षेत्र अपरिबद्ध है। अब हम z के मान की गणना करते हैं इसके जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं इन पर और इन बिंदुओं पर, हम ए सी डी और एफ इन बिंदुओं पर, ए सी डी एफ जो कि अपरिबद्ध क्षेत्र है, अनबाउंडेड रीजन है, इस पे
हल क्षेत्र पे, जो हल क्षेत्र के कॉर्नर पॉइंट्स हैं, इन पर z के मान की गणना करते हैं। तो बिंदु, कोणीय बिंदु यहां लिख लेते हैं, कोणीय बिंदु इष्टतम की गणना करने के लिए, और ये z का मान -50x + 20y, ये हमारी सारणी होगी। a बिंदु है 0.5, c है 0.3, d बिंदु है, निर्देशांक है 1.0, और f बिंदु के निर्देशांक है 6.0। इन बिंदुओं पर z के मान की गणना करते हैं। a बिंदु लेते हैं तो z का मान कितना हो जाएगा, ये तो हो गया 0 क्योंकि x का मान 0 रखा, 20 × 5 = 100 आ गया। c बिंदु पर देखें, x का मान तो 0 रख दिया, 20 × 3 z का मान हो गया 60। d बिंदु पर देखें z का मान कितना आता है, x बराबर 1 रखा तो -50 आ गया, y का मान 0 रख दिया। f बिंदु पर देखें -300 + 0 अर्थात -300 आ गया। तो हमें इस प्रकार जो न्यूनतम मान प्राप्त हुआ, वो न्यूनतम मान z का f बिंदु जिस पर प्राप्त हो रहा है, जो कि कोणीय बिंदु है, निर्देशांक 6.0, इस पर -300 प्राप्त हो रहा है। परंतु ये क्योंकि अपरिबद्ध हल क्षेत्र है, इसके लिए हमको क्या देखना है, अब -50x + 20y लेस देन क्या होना चाहिए, -300 होना चाहिए। तो हम इसको मिटा देते हैं, हम देखते हैं कि z का मान रख दें -300, तो -50x + 20y < -300 ये हमें मिलता है। अर्थात ये इसको यदि हम इसका संगत समीकरण बनाएं तो क्या होगा, 50x - 20y = 300 ये होगा। अर्थात यदि हम 10 का पूरे समीकरण में भाग लगा दें तो 5x - 2y = 30। सारणी बनाई, x और y के मान रखे, x 0 है तो y का मान आ गया -15, और y जब 0 है तो x का मान आ गया 6। बिंदु हो गए 0, -15 और 6.0। 6.0 ये बिंदु है और 0, -15 ये बिंदु यहां कहीं होगा, अर्थात इस बिंदु और इस बिंदु से गुजरने वाली सरल रेखा, इसको हम खींच देते हैं। ये हमारी सरल रेखा है जो कि इस समीकरण को दर्शाती है, 5x - 2y = 30 को दर्शाती है, 5x - 2y = 30। अब इसका हल क्षेत्र देखें तो हल क्षेत्र में हम क्या पाते हैं कि यदि मैं मूल बिंदु के निर्देशांक इसमें रखूं तो 0 < -300, 0 < -300 जो कि गलत है क्योंकि 0 बड़ा होता है -300 से, तो ये असत्य है। अर्थात इसका हल क्षेत्र किस ओर होगा, इस ओर होगा, ये रेखा यहां पर एक्सटेंड की जा सकती है। तो जो हम अब 5x - 50x + 20y < -300 इसके लिए जो हम हल क्षेत्र देख रहे हैं वो इस ओर आता है, अर्थात यहां कई बिंदु हम पाते हैं जो कि इस अपरिबद्ध क्षेत्र है उसमें और इसके हल क्षेत्र में विद्यमान है। तो मैं यहां पर इसको मिटा देता हूं, हम
देखते हैं कि -50x प्लस 20y लेस देन -300 के हल क्षेत्र तथा सुसंगत क्षेत्र हल क्षेत्र में कई बिंदु उभयनिष्ठ हैं और चूंकि कई बिंदु उभयनिष्ठ हैं इसलिए इस रैखिक प्रोग्रामन समस्या का कोई निम्नतम मान नहीं होगा। इसलिए इस रैखिक प्रोग्रामन समस्या का कोई निम्नतम मान विद्यमान नहीं है। हम पाते हैं कि सुसंगत हल क्षेत्र और जो हमने असमयिका लिखी है -50x प्लस 20y लेस देन -300 इसके दोनों के हल क्षेत्र में कई बिंदु उभयनिष्ठ हैं अर्थात रैखिक प्रोग्रामन समस्या का कोई निम्नतम मान विद्यमान नहीं है।